गुड आफ्टरनून क्लास. आर टुडे टॉपिक इज बर्डन प्रेशर गॉज. दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वेरिएबल इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर. इज द टाइप ऑफ वेरिएबल इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर्स एलवीडीटी एंड बर्डन प्रेशर गॉज. नाउ बर्डन प्रेशर गॉज इज टुडे टॉपिक. इसमें हम बर्डन प्रेशर गॉज की वर्किंग कैसे हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे. बर्डन ट्यूब जो है ये एक तरह का मैकेनिकल एलिमेंट होता है और इसको हम यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए. सो ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है और इसका काम क्या है, इसने प्रेशर को कन्वर्ट कर देना है लीनियर या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ताकि हम उसको मेजर कर सकें. सो बॉर्डन ट्यूब जो है वो काफ़ी तरह की होती है, सी टाइप, स्पायरल टाइप, ट्विस्टेड टाइप और हेलिकल टाइप. ये हम डायग्राम में देखेंगे सारी टाइप्स. सबसे पहले बॉर्डन ट्यूब जो है ये एक तरह का एलिप्टिकल फ्लैटन ट्यूब होता है जिसको हमने बेंड किया हुआ है. इस तरह से उसको बेंड किया हुआ है ताकि वो इन शेप्स में आ सके, सी शेप में, स्पायरल में, ट्विस्टेड में और हेलिकल में. सो जो बॉर्डन ट्यूब है उसका एक एंड हम क्लोज कर देते हैं और दूसरा एंड हम ओपन रखते हैं और उसको हम किसी बेस के साथ अटैच कर देते हैं ताकि हम प्रेशर देने के साथ साथ उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें. मतलब अगर हम प्रेशर दे रहे हैं तो उसमें हमें क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या मेजरमेंट आ रही है प्रेशर की, वो हमने देखना है. तो प्रेशर देने की वजह से क्या होता है, ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज हो जाता है. मैं आपको पहले डायग्राम दिखा दूं. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ सी टाइप बॉर्डन ट्यूब. ये सी टाइप बॉर्डन ट्यूब है. इसका एक एंड जो है वो क्लोज्ड है और जो दूसरा एंड है वो ओपन है. जो दूसरा एंड ओपन है वहाँ से हमने प्रेशर देना है और जनरली हमने इसको स्केल के साथ कनेक्ट किया होता है. तो जब हम प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने से जो हमारे ये ट्यूब है वो कितनी मूव हुई अपनी पोजीशन से, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसमें, लीनियर हुई या एंगुलर हुई, वो हम मेजर कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया था. सो बॉर्डन ट्यूब्स आर मेड ऑफ एलिप्टिकल फ्लैटन ट्यूब बेंड इन सच अ वे टू प्रोड्यूस अबव मेंशनड शेप्स. एक एंड बॉर्डन ट्यूब का क्लोज है, दूसरा ओपन है और उसको हमने बेस के साथ अटैच किया हुआ है ताकि हम प्रेशर दे सकें एक साइड से. अब जब हम प्रेशर देंगे तो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा और वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा. या ट्यूब बेंड ज़्यादा हो जाएगी या ट्यूब बिल्कुल सीधी होनी शुरू हो जाएगी. इसके कारण क्या होगा, दिस कॉजेज अ मूवमेंट ऑफ फ्री एंड. इसका मतलब क्लोज्ड एंड जो होगा वो अपनी पोजीशन को, वो अपनी शेप को चेंज कर लेगा और उसकी जब शेप चेंज हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो फिर हम उसके सिग्नल को एम्पलीफाई करके मैकेनिकल सिस्टम पे देख लेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है. सो जो एम्पलीफाइड डिस्प्लेसमेंट होगी, जो हमने फ्रीली उसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस का मतलब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, उसके बाद हम पॉइंटर एक अटैच करेंगे जो चेक करेगा कि उसने कितने अपनी पोजीशन को चेंज किया है. उसको लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर लेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमने कितना प्रेशर दिया था. सो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर हुज आउटपुट में बी कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो हमें प्रेशर पता लग जाएगा. अब बॉर्डन ट्यूब जो है ये डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स की बनी हो सकती है, ब्रास की, स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, ब्रॉन्ज की, फॉस्फर ब्रॉन्ज की. अब ये मटेरियल हमने कैसे चूज़ करना है डिपेंड करता है कि हम किस एनवायरनमेंट में उसको यूज़ करना चाहते हैं. हमने इसकी इलास्टिक करेक्टरिस्टिक देखने, इलास्टिक मतलब होता है जो चीज़ इजीली मूव हो सके. सो इलास्टिक करेक्टरिस्टिक्स हमने इसके देखने हैं. प्रेशर रेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्रॉसिव रेजिस्टेंस है, किसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा हमने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है. अगर हम लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम फॉस्फर ब्रॉन्ज मटीरियल यूज़ करते हैं, और अगर हम हाई प्रेशर के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील यूज़ करेंगे. अब हमारी फर्स्ट टाइप थी सी टाइप बॉर्डन ट्यूब. सी टाइप बॉर्डन ट्यूब जो है ये बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. ये ट्यूब जो है ये ओवल शेप में होती है और इसकी जो आर्क है वो 200 से 270 डिग्री तक होती है. इसीलिए हमने इसको सी टाइप बॉर्डन ट्यूब बोला है. जैसे आप ये देखो डायग्राम, दिस इज सी टाइप बॉर्डन ट्यूब और इसकी ये जो हमने ये जो फॉर्म की हुई है इसको आर्क बोला गया. इसकी आर्क जो है वो 200 से 270 डिग्री तक है. अब जैसे ही यहाँ से हम प्रेशर दे रहे हैं और ये हमारा फ्री एंड है या टिप है जो मूव करेगा, तो जैसे ही हम इस टिप को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब इसकी पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे या इस पोजीशन से यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे,
तो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉल की थिकनेस के। ये जो हमारे ट्यूब की थिकनेस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट, और ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी, कि इसने कितना एरिया कवर किया। ये जो ए लिखा है दिस इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। अब इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द आर्क। अब इस आर्क की पूरी लेंथ कितनी है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट, और इसकी थिकनेस कितनी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसे ही हम टिप को मूव करेंगे, टिप को मूव करने से डिस्प्लेसमेंट होगी, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होगी तो हमारी जो आर्क की लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, और लेकिन जो वॉल की थिकनेस है वो चेंज नहीं होगी। तो अब क्या होगा, जब ये आर्क बेंड हो गई, हम इसको, ये पहले इस पोजीशन पे थी, ये जो डॉटेड आप देख रहे हो पहले आर्क इस पोजीशन पे थी, फिर हमने इसको थोड़ा और बेंड किया, ये इस पोजीशन पे आ गया। इसको हम और बेंड करेंगे, जब ये 360 डिग्री पे पहुंच जाएगा, मतलब जब ये पूरा सर्कल बना लेगा तब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, सर्कल तभी बनेगा अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, तो हम उसमें उसको दूसरे मेथड के साथ मेजर करेंगे, जैसे कि स्पायरल टाइप। अब स्पायरल टाइप में देखो 360 डिग्री है, सर्कल है पूरा, तो क्योंकि हम इसको अभी सी टाइप ही रखते हैं, हमने यहाँ से इसको सिर्फ यहाँ तक ही लाया है, इसको 360 डिग्री नहीं किया, इस वजह से हम इसको सी टाइप बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं। तो हमने अब प्रेशर को कैसे मेजर करना है, इसके साथ हमने स्केल अटैच कर देना है, जिससे हमें स्केल के ऊपर वैल्यू आ जाएगी कि कितना प्रेशर जो देने से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। नेक्स्ट आता है स्पायरल टाइप बॉर्डन ट्यूब। इसमें क्या है, अब जो ऊपर वाला था इसमें आर्क की लेंथ जो है वो चेंज नहीं करी हमने, लेकिन ये जो स्पायरल बॉन्ड है इसकी लेंथ को जब हम चेंज करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो ये 360 डिग्री बन जाएगा, जो कि सर्कुलर बन जाएगा, या स्पायरल हम इसको बोल देते हैं। अब इसमें देखो ये इसकी लेंथ हमने इंक्रीज करी है, और लेंथ को इंक्रीज करके इसको हमने सर्कुलर बना दिया। इसका भी एक एंड बंद है जिसको हमने फ्रीली मूव कर सकते हैं, और दूसरा एंड ओपन है प्रेशर के लिए। तो जब भी हम इसको प्रेशर देंगे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और ये 360 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। अब वो कितना प्रेशर है वो स्केल के ऊपर रीडिंग आ जाएगी। व्हेन द प्रेशर टू बी मेजर इज अप्लाइड टू द स्पायरल, जब हम प्रेशर देंगे तो हमारी जो अनकॉइल होने लग जाएगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें रीडिंग कितनी आई स्केल के ऊपर। नेक्स्ट आता है हेलिकल टाइप। ये जो जिस तरह की शेप देख रहे हो आप, इसको हम हेलिक्स शेप बोलते हैं। हेलिकल ट्यूब जो है ये स्पायरल ट्यूब की तरह ही है, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें स्पायरल की जगह हेलिक्स शेप बनी हुई है। तो इसमें भी हम एक साइड ओपन रखा हुआ है जहाँ से हम प्रेशर देंगे, दूसरा साइड हमारा क्लोज है जिसको हमने फ्री एंड बोला है। इसकी पोजीशन को हम यहाँ से ही चेंज करेंगे फ्री एंड पॉइंट से। सो जैसे ही हम इसको हेलिकल से इसको इस तरफ को खींचेंगे तो हमारी जो इस ट्यूब की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें भी हम रीडिंग जो है वो स्केल के ऊपर ले सकते हैं कि कितना प्रेशर हमने दिया था, यहाँ से हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया था जिसकी वजह से ये फ्री एंड टिप जो है वो डिस्प्लेस हुआ, अपनी पोजीशन इसमें चेंज करी, और इसकी कितनी पोजीशन चेंज हुई है, कितना प्रेशर अप्लाई हुआ, वो हम इस स्केल से मेजर कर लेंगे। सो नंबर ऑफ कॉइल्स जो हमारे हेलिकल्स में है वो यहाँ बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। इसमें वो बढ़ेंगे ही क्योंकि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बढ़ने से हमारी जो रीडिंग्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। अब इस बॉर्डन ट्यूब का एडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, और इसको हम हाई प्रेशर रेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और लो प्रेशर पे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। सो नंबर ऑफ कॉइल्स यूज इन हेलिक्स एलिमेंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। किस पे प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हमने कितने यहाँ पे हेलिक्स को सर्कल दिए। नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशन क्या है बॉर्डन ट्यूब को हम, सॉरी इसका डिसएडवांटेज एक रह गया। डिसएडवांटेज ये है कि शॉक या वाइब्रेशन से भी इसकी पोजीशन जो है या इसकी जो हेलिक्स के जो कॉइल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब बॉर्डन ट्यूब को हमने बताया कि प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन किस तरह से है वो हमने पढ़ना है। अब हमने फोर्स या प्रेशर को मेजर करना है बॉर्डन ट्यूब के साथ, और वो कैसे होगा, अगर हम फोर्स और प्रेशर को कन्वर्ट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, और किस मटेरियल के साथ, बॉर्डन ट्यूब के साथ। अब बॉर्डन ट्यूब जो है वो हमने एक तरह का प्राइमरी ट्रांसड्यूसर लिया है,
जैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितना प्रेशर उस पे डाला था हमने, कितने प्रेशर से हमारा जो बॉर्डन ट्यूब है वो डिस्प्लेस हुआ है, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो ये हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एलवीडीटी से भी, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट से के साथ भी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ भी। तो जो हमने ये बॉर्डन ट्यूब लगाया है इसको हमने प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया, साथ में हमने एक एलवीडीटी भी लगा दिया जिसको हमने एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर यूज़ किया। ये बॉर्डन ट्यूब यहाँ पे प्राइमरी है और ये जो हमारा एलवीडीटी है ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहा है। आई थिंक पेजेस ओके। सो इस फिगर में आप देखो, आपने क्या देखा कि जो हम प्रेशर को मेजर करने लगे हैं बॉर्डन ट्यूब के साथ और एलवीडीटी के साथ, जो एलवीडीटी हम यूज़ कर रहे हैं वो एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर यूज़ हो रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट को या प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे जो कि बॉर्डन ट्यूब से आएगा। अब देखो ये जब हम यहाँ से प्रेशर देंगे, इसका ये जो फ्री एंड है ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, जब ये फ्री एंड अपनी पोजीशन को या लेंथ को चेंज करेगा तो पुली से जो हमारा सिग्नल यहाँ पे जा रहा है इस आयरन कोर पे, वो अपनी पोजीशन को या तो अपवर्ड करेगा या डाउनवर्ड करेगा। जब ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा आयरन कोर, दैट मीन्स ये डिस्प्लेस हो गया। जब ये डिस्प्लेस होगा तो आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था, यहाँ पे एडी करंट लॉसेस जनरेट होते हैं और एडी करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इस आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। इसलिए हम इस कोर को सेंटर में रखते हैं ताकि दोनों के सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं वो आपस में इक्वल आउटपुट वोल्टेज दे। अब जब ये कोर जो है वो डिस्प्लेस होगा, अपनी पोजीशन से चेंज होगा, ये पीस या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसकी पोजीशन के चेंज होने से यहाँ पे दोनों के वोल्टेज में डिफरेंस आएगा। या तो जब ये अपवर्ड जाएगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग की पोजीशन ज़्यादा, सॉरी, वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये डाउनवर्ड आएगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम इस स्केल पे मेजर कर लेंगे जो यहाँ पे हमने लगा देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्केल हम लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको वोल्टेज के मीन से भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी आउटपुट वोल्टेज आ रही है। अब इसके आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी, जितना ये डिस्प्लेस करेगा, ये कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना ये हम प्रेशर देंगे, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एलवीडीटी इज द प्रेशर। तो कितनी वोल्टेज आ रही है वो हम स्केल पे भी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं ना, इस स्केल के ऊपर भी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जितने भी हमने स्केल्स पहले देखे हैं इस पे भी हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने आउटपुट वोल्टेज मेजर कर ली, तो आउटपुट वोल्टेज से हमें पता लग गया कि यहाँ पे कितना प्रेशर हमने इसको दिया था, दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हो गया। और दूसरा वे ये है, इन अनदर वे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड इज एम्पलीफाइड बाय मैकेनिकल लिंकेजेस। हमने क्या किया, यहाँ से प्रेशर दिया, यहाँ से फ्री एंड है, फ्री एंड पे हमने एक मैकेनिकल लिंक बना दिया जिसने क्या किया, वो एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो उसको मेजर करेगा थ्रू दिस स्केल। जितना पॉइंटर यहाँ मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि एम्पलीफाइड डिस्प्लेसमेंट कितनी है। सो दिस स्केल इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो ये प्रेशर को मेजर करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट बॉर्डन ट्यूब। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉर्डन का भी और एलवीडीटी वाला भी, तो ये दोनों आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है, आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क।